हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है मारुति की ब्रेजा, ब्रेजा 2022। ये मारुति का फेसलिफ्ट है ब्रेजा का, और ये इसका फ्रंट लुक, काफ़ी एग्रेसिव फ्रंट है अब इसका। पहले से तो बहुत ज़्यादा शानदार लुक्स हो गए हैं इसके। ये देखिए इसकी ग्रिल में देखिए दो ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, ये क्रोम ट्रीटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, और ये ग्लोसी ग्रे में दिया हुआ है। ये देखिए मारुति का, सुजुकी का लोगो, और इसका हुड देखिए, हुड पहले से थोड़ा ऊंचा किया गया है, इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची है, पहले ज़्यादा से थोड़ी हाइट इसकी बढ़ाई है। और ये इसके हेडलाइट्स, आइस क्यूब हेडलाइट्स, एलईडी हेडलाइट है, हाई बीम लो बीम दोनों एलईडी हैं। और ये हैं इसके डीआरएल्स, और ये टर्न इंडिकेटर, ये वैसे ही दिखते नहीं है, ये केवल लाइट ऑन करेंगे तब दिखेंगे, अपन जब लाइट ऑन करके देखेंगे तब बात करते हैं इसकी, तब दिखाता हूँ आपको। और इस वेरिएंट में फॉग लैंप अवेलेबल नहीं है। ये है इसका ड्यूल टोन बम्पर, ब्लैक एंड ग्रे, और इसके ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, ये इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल अवेलेबल है। तो ये है इसका ओवरऑल फ्रंट लुक। अब मारुति का आपको मोस्ट अवेटेड फीचर दिखाता हूँ, एक जो मारुति ने ब्रेजा 2022 में लॉन्च किया है, वो है इसका सनरूफ। ये देखिए, और ये इलेक्ट्रिक सनरूफ है, ये अंदर जाके दिखाता हूँ आपको पूरा अच्छे से। चलिए इसका साइड प्रोफाइल चेक करते हैं, ब्रेजा 2022 का। ये है ब्रेजा का साइड लुक। साइड्स में आपको मिलते हैं डोर हैंडल्स विथ लॉक अनलॉक बटन, इसमें स्मार्ट की मिलती है। एक बार आपको इसकी की दिखा देता हूँ कैसी मिलती है। ये देखिए की इसकी आज भी नॉर्मली मिलती है, जो पहले मिलती थी स्विफ्ट डिजायर वगैरह में भी यही चाबी आती है। लॉक अनलॉक केवल दो स्विच आते हैं इसमें, इसमें एक स्विच और देना चाहिए था यार, जिसमें अपन जिससे बूट को अपन अनलॉक कर सकें, वो नहीं है इसमें। और ये है साइड में इसके ORVMs, अलॉय व्हील, 16 इंच अलॉय व्हील है। और ये है इसकी रूफ रेल्स। चलिए इसके टायर का सेक्शन चेक करते हैं, किस सेक्शन का टायर मिलता है अपने को ब्रेजा में। और अपने को मिलता है 215/60R16, 16 इंच का अलॉय व्हील है ये, ग्लोसी ब्लैक में। ये देखिए, जो कि काफ़ी शानदार लुक्स देते हैं। और फ्रंट टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। ये देखिए, रियर में केवल ड्रम ब्रेक है। और ये है इसकी क्लेडिंग काफ़ी थिक दी हुई है, जो इसको थोड़ा रगडनेस लुक देती है, इसको ऑफ रोडिंग साल देती है लुक इसको थोड़ा। और ये है इसके रूफ रेल्स, ये कंपनी फिटेड है। और ये बता दूं आपको, ये ZXI वेरिएंट है पेट्रोल, मारुति केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है, डीजल इंजन बंद हो चुके हैं मारुति में। और ये है इसका शार्क फिन एंटीना, देख लीजिए। और ये है इसका ORVM आउटसाइड रियर व्यू मिरर, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल भी है, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड केवल ये अंदर से कर सकते हैं अपन, की से अपन गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो ये फोल्ड नहीं होते हैं। इसका साइज चेक कर लीजिए एक बार, डिसेंट सा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे तो। और ये लॉक अनलॉक का स्विच, अपन एक बार इसको प्रेस करते हैं तो केवल ड्राइवर साइड डोर अनलॉक होता है, बाकी के डोर अनलॉक नहीं होते हैं। ये देखिए, चलिए इसका रियर लुक चेक करते हैं, रियर लुक कैसा मिलता है अपने को ब्रेजा में। देखो कि ब्रेजा में रियर लुक जो है थोड़ा रेंज रोवर जैसा लगता है। ये देखिए, ये है इसका रियर लुक, ये देखिए। और ये है इसकी रियर विंड स्क्रीन, जिसपे वाइपर, वॉशर, डिफोगर अवेलेबल है। और ये सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की ब्रांडिंग, और ये स्मार्ट हाइब्रिड SHVS स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम, और 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स, ड्यूल टोन बम्पर, ब्लैक एंड ग्रे। और ये है इसकी टेल लैंप्स, ये भी एलईडी है। रिवर्स लैंप जो है इसमें वो हेलोजन है,
बाकी सारी लाइट इसकी एलईडी है। एक बार इसकी लाइट ऑन करके चेक करवाता हूँ आप। ये देखिए, ये है इसकी लाइट, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये भी एलईडी है। इसमें सारी लाइट्स एलईडी दी हुई है। और ये है इसकी ब्रेक लाइट, ब्रेक लाइट का लुक्स देख लीजिए एक बार। और लाइट्स ऑन करने पे कुछ ऐसा लुक आता है ब्रेजा 2022 का। एक बार आपको इसकी फ्रंट हेडलाइट्स दिखाता हूँ कैसी है। हेडलाइट्स और दोनों एलईडी हैं ये। और ये हैं इसके डीआरएल्स, ये आपको कैमरे में ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। और ये इसी में इंडिकेटर है, ये देखिए डीआरएल्स में काफी शानदार लगते हैं यार ये इंडिकेटर। चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल पे भी आपको वही सब मिलता है जो राइट हैंड साइड है। बस यहाँ पे आपको फ्यूल फिलर कैप मिलता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर्स। और रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है यहाँ पे। बाकी कंपनियों ने केवल वन साइड ही मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर। चलिए इसका इंटीरियर चेक करते हैं। ये है ब्रेजा 2022 का ड्राइवर साइड डोर, ये देखिए। विंडो साइज भी काफी बड़े बड़े हैं इसमें ताकि सफोकेशन फील ना हो आपको। और ये है इसका ड्यूल टोन डोर, ये देखिए। ये लॉक अनलॉक करने के लिए, डोर ओपन करने के लिए हैंडल। और ये ऑल फोर पावर विंडो, ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन के लिए अवेलेबल है। ये लॉक अनलॉक के लिए, पावर विंडोज को लॉक करने के लिए, ऑटो फोल्डिंग का स्विच। और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के लिए। और आपको डोर पे ये सॉफ्ट टच मिलता है आपको यहाँ पर, बाकी पूरा। और ये सिल्वर की बाउंड्री। चलिए इसका इंटीरियर अंदर चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये इसका स्टेयरिंग व्हील, डी कट स्टेयरिंग व्हील है। और ये है इसकी सीट्स, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। रियर में भी देखिए आपको दो हेडरेस्ट अवेलेबल है और दोनों एडजस्टेबल है। बीच में कोई हेडरेस्ट अवेलेबल नहीं है, वो पीछे जाएंगे जब बात करते हैं अपन। और ड्राइवर सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल है, ये देखिए। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच आता है, ये देखिए। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच प्रेस करना पड़ेगा और ये स्टार्ट हो गई गाड़ी। गाड़ी का एसी ऑन कर लेते हैं। और ये है स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील्स पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल भी अवेलेबल है इस ZXi वेरिएंट में। और ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, ये फोन रिसीव करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये वॉइस कमांड के लिए, ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए, मोड चेंज करने के लिए, रेडियो FM वगैरह चलाने के लिए, और ये चैनल अप डाउन करने के लिए। और ये है इसका MID में आपको देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आप यहाँ से टॉगल दिए हुए हैं, ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको एवरेज टाइम, टेम्परेचर, रेंज, ये सब दिखाता है, ये देखिए। ड्राइविंग टाइम, टोटल आइडियल स्टॉप टाइम, कितने बार गाड़ी अपन जैसे सिग्नल, इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है, ये देखिए। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि एनालॉग दिया हुआ है, ये स्पीडोमीटर 220 तक की इसमें स्पीड मार्किंग की गई है। और ये इसका RPM मीटर जिसमें 8000 RPM तक की मार्किंग की हुई है। ये टेम्परेचर के लिए है, ये गाड़ी का टेम्परेचर बताता है। और ये फ्यूल, और MID में आपको MID के कंट्रोल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे टॉगल दिए हुए हैं, ये देखिए। यहाँ से आप इसमें टाइम, मोशन, फ्रॉन, टॉर्क, पावर वगैरह सब कुछ दिखाता है। इंजन, इसमें दो बैटरी अवेलेबल है, एक SHVS के लिए, जैसे आप आइडियल, इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप अवेलेबल है जिससे आप
सिग्नल पे जैसे 10 सेकंड से ज्यादा खड़े रहते हैं तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, क्लच दबाते ही फिर से चालू हो जाएगी। ये सब इसमें इसके MID में अवेलेबल है। और ये है इसका 7 इंच टच स्क्रीन, ये है इसका होम स्क्रीन। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अवेलेबल है। ये वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, म्यूट करने के लिए, पावर ऑन ऑफ, होम, वॉइस कमांड, म्यूजिक और फोन, ये सब अवेलेबल है। और ये है इसका रियर व्यू मिरर, जो कि इलेक्ट्रिकली ऑटो डिम नहीं है, ये मैनुअली है, डे नाइट मिरर, इसको आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। और ये है इसका रूफ पर लाइट्स, ये हेलोजन दी हुई है इसमें, लाइट इसमें हेलोजन है। और ये है इसका सनग्लास होल्डर, ये देखिए, चलिए इसको बंद कर देते हैं। और ये देखते हैं इसका, इस पे कोई मिरर वगैरह अवेलेबल नहीं है। कोपेसेंजर की साइड यहाँ पर आपको मिरर मिलता है, ये देखिए, और लाइट भी अवेलेबल है इसमें, ये देखिए, यहाँ पे एयरबैग की वो मिलता है आपको। चलो इसको बंद कर देते हैं। और ये है इसके एसी के कंट्रोल्स, इसमें ऑटो एसी अवेलेबल है, ये देखिए। और बेलिनो में भी यही टॉगल्स मिलते हैं आपको एसी के कंट्रोल्स, ये हीटिंग और कूलिंग के लिए। और ये लेफ्ट साइड एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और ये 12 वोल्ट सॉकेट, ये USB, यहाँ से आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं USB से। और ये 12 वोल्ट सॉकेट, यहाँ से आप जैसे टायर इन्फ्लेटर वगैरह यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये इसका गियर नो, 5 स्पीड गियर नो भाई। और ये सेंटर कंसोल, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस, आप कॉइन वगैरह रख सकते हैं। ये है इसका हैंड ब्रेक। और इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। और डैशबोर्ड आपको 3 कलर्स में मिलता है, ये देख, ब्लैक, सिल्वर और ब्राउन, जो कि देखने में काफी शानदार लगता है। ये इसकी ओवरऑल लुक डैशबोर्ड की, पीछे जाएंगे जब एक बार आपको वापस दिखाता हूँ इसकी लुक। और इसमें 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं और 2 ट्विटर्स अवेलेबल हैं, ये देखिए, ये हैं ट्विटर्स और 4 स्पीकर्स। और आपको मारुति का मोस्ट अवेटेड फीचर दिखाता हूँ एक पीछे जाकर, जो कि अब तक सब एक्सपेक्ट कर रहे थे मारुति में भी होना चाहिए ये फीचर, और मारुति ने भी अब ये दे दिया है। चलिए इसमें रियर सीट पे चल के देखते हैं। और ये है इसका रियर डोर, ये भी ड्यूल टोन में, ये पावर विंडो का स्विच, ये लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये डोर ओपन करने के लिए ट्रिगर। और ये है वो फीचर जो मैं आपको बता रहा था, ये है इसका सनरूफ, ये इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिक सनरूफ है। ये ओपन करके दिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रिकली, ये है इसका स्विच, और ये देखिए, ये इलेक्ट्रिकली सनरूफ खुल चुका है इसका, और बंद भी आप इसको यहां से ही कर सकते हैं, ये देखिए, ये बंद हो गया है। सनरूफ तो बंद हो जाता है, लेकिन इसका जो ये ब्लाइंड है आपको ये मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है यार, सनरूफ दे दिया मारुति ने, वही बड़ी बात है। और ये है इसके डैशबोर्ड का ओवरऑल लुक, काफी प्रीमियम लगने लग गया यार अब इसका मारुति का ये। और आपको रियर सीट का स्पेस चेक करवाता हूँ आपको, ये फ्रंट जो फ्रंट सीट है ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और मेरी हाइट है 6 फीट, ये देखिए। वैसे तो थोड़ा सा इतना सा स्पेस अवेलेबल है केवल, ज्यादा नहीं है, पर ठीक है। और ये रियर सीट पे आपको कुछ हैंग करने के लिए दिया है, इसकी कैपेसिटी है 4 kg, 4 kg तक आप कुछ भी यहाँ पर लटका सकते हैं। और ये है इसका विंडो, रियर विंडो, और ये इसका पीछे वाला थर्ड ग्लास, पहले ये इतना बड़ा नहीं आता था, इसमें केवल सेकंड विंडो के बाद डायरेक्ट आता था, अब ये भी दिया गया है इसमें, ताकि थोड़ा रोशनी रहे केबिन में और सफोकेशन फील ना हो। और ये है इसकी पार्सल ट्रे, और ये है इसका हेडरेस्ट, ये भी एडजस्टेबल है, 2 हेडरेस्ट अवेलेबल है इसमें, बीच वाले के लिए कुछ भी नहीं है। और ये है इसका आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, इसमें 2 कप होल्डर के लिए जगह। चलिए इसका बूट चेक करते हैं एक बार, तो बूट आप इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट अवेलेबल है इसमें,
ये देखिए, ये है इसका 328 लीटर्स का बूट है इसमें, और ये इसमें आपको एक हेलोजन लाइट भी मिलती है, बूट लैंप, और ये स्टोरेज स्पेस थोड़ा बहुत आप छोटी मोटी सामान रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हुक दिया हुआ है कुछ भी हैंग करने के लिए। इस पे आपको कोई मार्किंग नहीं है कितने केजी तक आप लटका सकते हैं। तो ये है, आपको इसका स्पेयर व्हील चेक करवाता हूँ एक बार। ये है इसका स्पेयर व्हील, जिसकी साइज है 215/60R16। ये भी सेम है, 16 इंच का ही अवेलेबल है इसमें। और ये है इसके जैक वगैरह, और MRF का ही मिलता है आपको ये टायर भी, बाकी टायरों की तरह, और सेम सेक्शन का है, जो कि काफी अच्छी बात है मारुति ने दिया है सेम साइज का। चलिए इसके इंजन की बात करते हैं। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है के सीरीज का, जो कि काफी मारुति के इंजन तो वैसे ही काफी फेमस है, और हुड काफी अब भारी है यार इसका भी। 4-स्टार सेफ्टी रेटेड कार है ये, एक बार इसको सेट कर लेते हैं। ये है इसका इंजन, जो कि जनरेट करता है 101 BHP और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क। काफी सही इंजन है ये इसका, काफी साइलेंट इंजन है, अंदर बैठकर पता भी नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है। और इसके डाइमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ है 3995, विड्थ है इसकी 1790, और हाइट है इसकी 1685 mm। हाइट इसकी 45 mm बढ़ा दी गई है पहले वाली ब्रेजा से, और इसका व्हील बेस है 2500 mm। फ्रंट और रियर व्हील के बीच का डिस्टेंस है 2500 mm, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।